खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गालियों से ये चौकीदार टिकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार की बात मेरे साथ करिए, छप्पन इंच की छाती है, आगे निवेद करिए। हमने भी तो सोलन का मशरूम खाया है। हुआ तो अब बहुत हुआ। देखो इंडिया, दाएं देखो इंडिया, बाएं देखो इंडिया, ऊपर देखो इंडिया, नीचे देखो इंडिया। कांग्रेस का नामदार परिवार ये क्या करते हैं? ये लोग पिकनिक के लिए देश के युद्धपोत का इस्तेमाल करते हैं और जब सवाल उठते हैं तो निर्लज्ज होकर के, बेपरवाह होकर के, कोई डर के बिना कहते हैं हुआ तो हुआ, हुआ 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 तो हुआ तो हुआ तो बॉफोर्स तोप घोटाले पर इनका एक ही जवाब है, हुआ तो हुआ तो। पनडुब्बी घोटाले पर, सबमरीन घोटाले पर इनका एक ही जवाब है। क्या जवाब है? क्या जवाब है? हेलीकॉप्टर घोटाले पर इनका एक ही जवाब है। क्या जवाब है? जरा पूरी ताकत से बताओ तो उनको पता चले। हुआ तो हुआ तो। आतंकी हमलों में, नक्सली हमलों में हमारे वीर साथी अपनी जान गंवा देते थे और ये लोग कहते थे हुआ तो हुआ तो हुआ तो। ऐसे मुश्किल सवालों का इनके पास एक ही जवाब होता था, सारे देश को पता चल गया है। साथियों, कॉमनवेल्थ घोटाला करके इन्होंने देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी, लेकिन जवाब है टूजी घोटाला करके इन्होंने देश में टेलीफोन सेवाएं महंगी कर दी, लेकिन जवाब है कोयला घोटाला करके इन्होंने देश की संपदा को लूट लिया, लेकिन इनका एक ही जवाब है। पूरी ताकत से बोलिए, दूर दूर खड़े हुए लोग भी बोलिए। साथियों, ये महामिलावटी लोग कह रहे हैं हुआ तो, लेकिन देश कह रहा है कि महामिलावटी लोगों अब बहुत हुआ। कहा था किसानों को सही काम दूंगा, कर्जा माफ करूंगा। क्या नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ न? अब चुनाव के समय 5 साल बाद कैंपेन हुआ, हिंदुस्तान में 43 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, दाएं देखो इंडिया, बाएं देखो इंडिया, ऊपर देखो इंडिया, नीचे देखो इंडिया के बाद 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार खोते हैं। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। मैं पब्लिक में बोल रहा हूं और यही मैंने सैम पिट्रोडा को फोन करके कहा कि सैम पिट्रोडा जी, आपने बिल्कुल गलत बोला, शर्म आनी चाहिए आपको और ये आप पब्लिक अपॉलॉजी मांगे। आज भी नामदार और उनके रिश्तेदार जमानत पर है,
और ये जो उनको गुस्सा है ना, गुस्से का कारण भी यही है कि चाय वाला होता कौन है जो हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा रहा है, हमें जमानत मांगनी पड़ रही है। इसलिए उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है। और भाइयों बहनों, बेशर्मी तो ये है कि जो खुद जमानत पर है वो आपके इस चौकीदार को, आपके इस सेवक को अपनी डिक्शनरी से हर रोज नई नई गालियां खोज खोज करके छोड़ रहे हैं मुझ पर। भाइयों और बहनों, इनकी गालियों से ये चौकीदार डिगने वाला नहीं है। आखिर हमने भी तो सोलन का मशरूम खाया है। उनका मिशन मोदी की छवि बिगाड़ना होगा, मोदी का मिशन भारत की छवि को पूरी दुनिया में ऊंचा उठाना है। नामदार कहते हैं कि मोदी को हराना इनका मिशन है, लेकिन मोदी का मिशन भारत को जिताने का है। विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ नरेंद्र मोदी 15 लाख रुपए झूठे वायदे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, और आप देखिए आजकल नरेंद्र मोदी उन चीजों के बारे में नहीं बोलते। पहले भ्रष्टाचार की बात करते थे, मैंने कहा आइए भ्रष्टाचार की बात मेरे साथ करिए, 56 इंच की छाती है, आ जाइए डिबेट करिए, मैं कहीं नहीं आ जाऊंगा, रेस को छोड़ जाऊंगा, लोकसभा में आ जाऊंगा, कनॉट प्लेस में चला जाऊंगा, पंजाब आ जाऊंगा, 15 मिनट मेरे साथ डिबेट कर लीजिए, राफेल पे कर लीजिए 15 मिनट। नरेंद्र मोदी डरते नहीं आ सकते, घबराते, 4 सवाल पूछूंगा। नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे हिंदुस्तान को। नरेंद्र मोदी जी, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए क्यों दिए? वो तो बैंकक्रप्ट है, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा वापस नहीं देगा। उसने दुनिया का सबसे बड़ा, उसको दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया आपने? चौकीदार जहां भी हमारी सरकार बनी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, जहां भी हमें हमारी सरकार बनी है, हमने किसानों का कर्जा माफ किया है। मैंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कहा कि देखिए सरकार बनेगी, पहला काम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करने का होगा, और 2 दिन के अंदर इन तीनों प्रदेशों ने कर्जा माफ किया। और यहां हमारे चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी ने भी किसानों का कर्जा माफ करके दिखाया था। अपने अहंकार में न ये झूठ बोलने से घबराते हैं, न झूठे वायदे करने से। आप मुझे बताइए, यहां इन लोगों ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था कि नहीं किया था? सबके सब बताएंगे तो फिर मैं मानूंगा, वरना मैं भी क्यों मानूंगा? कर्ज माफी का वादा किया था, कर्ज माफी का वादा किया था, 10 दिन में करेंगे ऐसा कहा था, उनके नामदार ने आके कहा था, मध्य प्रदेश को 1 से 10 की गिनती सिखाई थी, और अगर 10 दिन में नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे कहा था कि नहीं कहा था? ये सब कुछ पब्लिक में कहा था कि नहीं कहा था? जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, जनता जनार्दन के सामने कहा था कि नहीं कहा था? उसको भी उन्होंने ठगा कि नहीं ठगा? आपको ठगा कि नहीं ठगा? ईश्वर को ठगा कि नहीं ठगा? इस पर भरोसा कर सकते हैं? आजादी के 55 साल एक परिवार ने इसी प्रकार से देश को ठगा है, क्या अब भी आप उनको ठगने का अधिकार देना चाहते हो क्या? किसी
ऐसी हालत में लेना चाहते हो क्या? पांच सालों से सिर्फ प्रचार ही प्रचार चल रहा है और काम नहीं चल रहा। तो जब भी आप फिर जाएंगे या अखबार देखेंगे तो आपको बड़े बड़े प्रचार आपके सामने किए जाएंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि जाने देश में इतना विकास हो गया है पांच सालों में कि 60-70 सालों से इतना काम नहीं हुआ। भाइयों बहनों, आज किसानों के घर पर पुलिस पहुंच रही है, कर्जदार किसानों के जेल जाने की नौबत आ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब है तुगलक रोड चुनाव घोटाला। दिल्ली में जो इनके नामदार है उनके पोस्टर जो आज आप रतलाम में, मंदसौर में, जाबवा में, उज्जैन में देख रहे हैं, वो उस चोरी का माल है, भ्रष्टाचार का पैसा है, वो तुगलक रोड घोटाले का पैसा है। और ये पैसे आपके लिए भेजे गए थे। जब जब आपके सामने आते हैं तो सिर्फ बड़ा बड़ा प्रचार होता है, सिर्फ फिजूल की बातें होती हैं, आपको नए सपने नई उम्मीद दिलवाते हैं, लेकिन जो पुराने सपने दिलवाए थे पांच साल पहले, जिनको इन्होंने चूर चूर कर दिया, इनके बारे में आपको एक भी लफ्ज नहीं कहते। कांग्रेस को भारत माता की जय से दिक्कत है, उन्हें मुझे गाली देने में खुशी होती है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। भाइयों बहनों, देश गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से चलेगा? गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से चलेगा? सोच बराबर तक नहीं, झूठ बराबर पाप। यहाँ आकर आपसे तमाम बातें कहते हैं कि आपकी सुरक्षा करेंगे। मैं पूछती हूँ, अगर आप इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं, आप इतने बड़े तपस्वी हैं, तो आप किसान को सुरक्षित क्यों नहीं रखते? आप नौजवान को सुरक्षित क्यों नहीं रखते? आप मेरी बहनों को सुरक्षित क्यों नहीं रखते? क्या सुरक्षा के लायक नहीं है इस देश के वासी? तमाम भ्रष्टाचार इनके शासनकाल में हुआ, लेकिन इन चीजों का जवाब आपके सामने कभी नहीं दे पाते।